आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर देश भर में योग के माध्यम से निरोग रहने का संदेश दिया जा रहा है। इसी क्रम में जमशेदपुर के एग्रिको ट्रांसपोर्ट मैदान में पतंजलि योग समिति झारखंड इकाई की ओर से योग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शिरकत की और योग किया। उन्होंने समस्त देशवासियों के साथ झारखंड वासियों को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि योग के माध्यम से समस्त रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। योग प्रकृति का मानव के साथ सामंजस्य स्थापित करने का ऐप बेहतर विकल्प है। आज दुनिया के देशों में योग के माध्यम से निरोग रहने के सिद्धांत पर चल रहे हैं। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योग गुरु स्वामी रामदेव का अहम भूमिका है। आज ही के दिन पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव लाया था, जिसके कारण आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। वहीं स्वामी रामदेव ने योग को दुनिया के कोने कोने में फैलाने का काम किया। उन्होंने दोनों के प्रति आभार जताया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और कहा, प्रशासन स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित नहीं करना कहीं ना कहीं इसकी महत्ता को कम करने का प्रयास है। GBN24 न्यूज के लिए जमशेदपुर से मनमन पांडे की रिपोर्ट। योग भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार है। योग से मन और शरीर के बीच एकता और मनुष्य और प्राकृतिक के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का साधन है। योग अगर निरंतर हम करेंगे, प्रतिदिन करें, तो आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर भी हल्का होगा, कार्य शक्ति भी बढ़ेगी, आपकी क्षमता भी बढ़ेगी, इसके साथ साथ जीवन शक्ति और एंटीबॉडी भी आपकी बनेगी। तो मैं सभी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, क्योंकि आज का दिन हम भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मत से पास किया। परिणाम स्वरूप आज 193 देश में योग कर निरोग बनने का सभी लोग संकल्प ले रहे हैं। तो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, साथ ही साथ योग को देश में पॉपुलर करने में हमारे स्वामी रामदेव बाबा का भी बहुत बड़ा योगदान, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। और मैं सभी झारखंडवासी देशवासी से अपील करता हूँ कि अपने शरीर के अपने 24 घंटे में आधे एक घंटे हम शरीर को जरूर दें, क्योंकि योग से हमारा शरीर हीट रहेगा और हीट रहेगा तभी हम फिट होकर अपने और समाज और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं।